चलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। अब इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि हमने तो पढ़ के आया था ई इक्वल टू सिग्मा की पावर 4 और ये कहाँ से यूनिट लिखूंगा। ठीक है, ये है छोटा पर है खतरनाक। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा जो यही याद किया हुआ यही रटा हुआ उसके लिए तो ये डिफिकल्ट है ना, कैसे लिखेगा ई का यूनिट। उसको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि स्टीफेंस लॉ का पूरा फॉर्म क्या होता है। ये तब लगता है दैट इज एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो पूरा अगर मैं लिखूं, कोई नॉर्मल जिंदगी में बॉडी है, ठीक है, तो सिग्मा ई टी ए टी की पावर 4 दैट इज द एनर्जी रेडिएटेड बाय ए नॉर्मल बॉडी, टी टेम्परेचर, ए सरफेस एरिया, टी टाइम में इतनी एनर्जी निकाली होगी। तो अगर मैं सिग्मा, अब मैं सिग्मा का यूनिट लिखूं, तो ई और ये इमिसिविटी, ये यूनिट लेस है, तो ई और टी और ए और टी की पावर 4 और ई बाई टी क्या है, इट इज द पावर। इसकी यूनिट वाट हो गई, एरिया है मीटर का स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर केल्विन, ठीक है, केल्विन के की पावर 4 दैट इज द यूनिट, वाट पर मीटर, वाट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 दैट इज डी ऑप्शन सही है। ठीक है,